वेलकम बैक टू द गैजेट टूर। और आज हम बात करने वाले हैं एक चीपेस्ट बजट स्मार्टफोन के बारे में। और जी हाँ, ये है टेनोर कंपनी का टेनोर डी, जो इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है और ये रेडमी 5 को कड़ी टक्कर दे रहा है। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में कुछ बातें। एंट्री लेवल बजट फ़ोन लिस्ट में नया नाम जुड़ा है टेनोर डी का। अमेजोन के टेनोर का यह तीसरा फ़ोन है जो इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है। शाओमी रेडमी 5 को यह बहुत बड़ी टक्कर दे रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक 2GB रैम 16GB स्टोरेज के साथ और एक 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ। 2GB रैम वाला आपको मिलेगा 5000 रुपये का और 3GB रैम वाला मिलेगा आपको 6000 रुपये का। क्विक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इसमें मिलेगा डिस्प्ले 5.2 इंच का, जो कि HD है। जी हाँ, फुल HD नहीं है। 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 425 पर है। फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको 5 मेगापिक्सल का और रियर कैमरा मिलेगा 13 मेगापिक्सल का। इसमें बैटरी कैपेसिटी है 3500 mAh की और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है एंड्रॉयड नोगट, जो कि 7.1.2 पर बेस्ड है। तो अब बात करते हैं इसके सेंसर्स के बारे में। इसमें आपको कंपास, प्रॉक्सीमेटली, एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर और जायरोस्कोप मिलेगा। ये सब सेंसर्स के साथ आप बड़े आसानी से इस मोबाइल को ज़्यादा बेहतर ढंग से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्विक स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल के बारे में। तो दोस्तों, ये था एक क्विक ओवरव्यू टेनोर डी स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके।